प्रीवियस लेक्चर में अपने बात किया था दोस्तों, मैक्रो अप्रोच के बारे में बात किया था हमने। मैक्रो अप्रोच के बारे में, पॉजिटिविस्ट के बारे में देखा था, उसके बाद हमने देखा था कन्फ्लिक्ट अप्रोच के बारे में देखा था दोस्तों, फिर उसमें हमने क्या देखा था, फेमिनिज्म के बारे में बात किया था दोस्तों, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था दोस्तों, फेमिनिज्म के कई सारे एस्पेक्ट देखे थे, कई सारे एस्पेक्ट, जैसे हमारे पोस्ट मॉडर्न वाले हो गए, जैसे हमारे लिबरल हो गए दोस्तों, उसके बाद हमने क्या देखा था, रेडिकल देखा था दोस्तों, फिर उसके बाद हमने देखा था सोशल एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म देखा था। तो ये कई सारे अप्रोचेस थे, उसके बारे में हमने बात किया था। हमने बात किया था फंक्शनलिज्म का दोस्तों, बात किया था कि कैसे हर एक एस्पेक्ट जो होते हैं, हर इस एस्पेक्ट जो हमारे बॉडी में है या जितने भी सोसाइटी में जो चीज़ एग्जिस्टेंस है, उनका कैसा इस्टेब्लिशमेंट है, उनका हर एक एलोकेटेड रोल है, उसके बारे में हमने देखा था, फंक्शनलिज्म के बारे में देखा था दोस्तों। आज जो हम टॉपिक बात करेंगे, आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने इस माइक्रो अप्रोच के बारे में देखेंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रो अप्रोच के बारे में बात करेंगे, जिसका नेम है सोशल एक्शन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, या तो इसका नेम हम कह सकते हैं वॉलेंट्रिस्टिक के बारे में बात करेंगे, कि जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉलेंटरिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं दोस्तों। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो ये वॉलेंटरिस्टिक अप्रोच होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जो हमारे माइक्रो अप्रोच है, सोशल एक्शन या तो वॉलेंटरिस्ट अप्रोच है, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों। पहले इसके पार्ट हम देख लेते हैं। इसके हम हमारे जो पार्ट हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, नॉन पॉजिटिविस्ट। उसके पहले हमने मैक्रो अप्रोच में दोस्तों क्या बात की थी, हमने पॉजिटिविस्ट के बारे में बात की थी। पॉजिटिविस्ट क्या होता है, कोई चीज जो एक स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करे, कोई साइंटिफिक वैल्यू, कोई फैक्ट या डेटा पे बिलीव करे। जो हमारे पॉजिटिविस्ट होते हैं वो किस पे होते हैं, जनरलाइज वैल्यू बनाए कि जो सभी सोसाइटी में जितने लोग हैं उन पे वो चीज़ एलिजिबल हो, कि सभी के ऊपर अप्लाई हो, वो उसके ऊपर फोकस करते थे। लेकिन जो हमारे नॉन पॉजिटिविस्ट हैं वो किसके ऊपर फोकस करते हैं दोस्तों, वो हमारा जो फोकस करते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं दोस्तों। किसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इंडिविजुअल को, वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव पे वो दोस्तों बात करते हैं। हमारे जो नॉन पॉजिटिविस्ट होते हैं दोस्तों, वो हमारे कहाँ पे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे वो बात करते हैं। अब नॉन पॉजिटिविस्ट के दोस्तों दो पार्ट हैं। पहला हमारा क्या है, रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर, रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर दोस्तों, इसका मतलब है क्या, कि वो रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर जो इंडिविजुअल के साथ साथ जो हमारे स्ट्रक्चर है सोसाइटी के, उसके ऊपर भी वो क्या करे, फोकस करे, इसीलिए इसका नेम क्या है, रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर। और एक हमारे कौन सा एक्सपेक्ट आएगा, जो डू नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर, एक हमारा ये आएगा दोस्तों। एक तो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करेगा और एक स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा दोस्तों। तो अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर को करते हैं, जैसे हमारे मैक्स वेबर हो गए, वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं स्ट्रक्चर को, जैसे हमारे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट हो गए। अब इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में हमारे थिंकर वाले पार्ट में। अभी हम आपको केवल एक डिटेल, एक ब्रॉडर व्यू दे रहे हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में जैसे हमारे जीएच मीड हो गए दोस्तों, और डू नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर में जैसे हमारे दोस्तों फिनोमिनोलॉजी हो गए। अभी इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों, इसमें कोई भी आपको चिंता नहीं करना है। इसमें हमारे एक और हो गए, जो हो गए एथनो मेथोडोलॉजी, ये हमारा क्या है, ओवरऑल पॉइंट है, कि अगर कोई भी पूछे कि नॉन पॉजिटिविस्ट, पहले हमने क्या देखा, मैक्रो अप्रोच देखा, फिर इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, माइक्रो अप्रोच देख रहे हैं। माइक्रो अप्रोच में दोस्तों हमने कैसी बात की,
नॉन पॉजिटिविस्ट का बात किया, उसके अंदर हमने क्या देखा, एक जो स्ट्रक्चर को क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, दूसरा क्या करे, जो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज नहीं करे। फिर उसके बाद कई सारे हमने इसमें थिंकर के नेम देखी और कई सारे अप्रोचेस जो इसके अंदर आते हैं दोस्तों। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों सोशल एक्शन के बारे में। इसके बारे में हम बात करते हैं सोशल एक्शन। पहले सोशल एक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, सोशल एक्शन का मतलब क्या होता है, सोशल एक्शन का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जो टोटली इन्फ्लुएंस हो एक्सटर्नल फैक्टर से, बल्कि सोशल एक्शन का जो मतलब है हमारा दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वो हमारा मतलब है जो हमारा इंटरनली क्या हो, डिटरमाइंड हो। हमारा सोशल एक्शन का मतलब है, सोशल एक्शन का ये मतलब नहीं है कि केवल वो टोटली कैसा हो, इन्फ्लुएंस हो किसके द्वारा, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा कि लोग क्या कह रहे हैं वो इसके बारे में सोचे, नहीं ये इस चीजों के इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो टोटली इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फैक्टर को नहीं करता है, बल्कि वो क्या डिटरमाइन करता है हमारे जो इंटरनली क्या चीजें हो रही हैं, बल्कि वो डिटरमाइन करता है कि जो इंटरनली हमारे कैसे जो इंडिविजुअल है उसका कैसा ऑटोनॉमी है, खुद को अपने कितने सफिशियंट बना ले रहा है, कि उसको एक रिफ्लेक्सिव वे में हम कह सकते हैं कि अपने आप को सफिशियंट करे, किसी भी ऑटोनॉमी अपने कैसे अपने आप को सेल्फ सफिशियंसी रखे। तो इस पे जो ये सोशल एक्शन है वो डिटरमाइन करता है कि इंडिविजुअल को हम कैसे रिफ्लेक्सिव बनाए दोस्तों, कि रिफ्लेक्सिव हो इंडिविजुअल, उसके साथ साथ उसके पास क्या हो, सफिशियंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, कि इसके पास ये चीजें होनी चाहिए कि वो अपने आप को सफिशियंट ऑटोनॉमी बना ले, कि किसी चीज को वो क्या करे, हैंडल कर सके दोस्तों। इसका जो फोकस होता है, इसका फोकस होता है कैसे हम जो इनविजिबल रियलिटी है उसको बारे में हम हमारा फोकस करें, कि जो हमारा सोशल एक्शन है जो बाहर से दिखता है हम उसके बारे में फोकस नहीं करते, बल्कि हमारा जो फोकस होता है वो कैसा होता है, जो इनविजिबल हो, जो समाज में इनविजिबल हो, जो समाज में रियलिटी जल्दी वो दिखे ना, वो उस पे वो फोकस करता है, इनविजिबल रियलिटी के बारे में दोस्तों ये फोकस करता है जो हमारा सोशल एक्शन होता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इनके, जैसे हमने देखा था इसमें मैक्स वेबर थे जो हमारे स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, नॉन पॉजिटिविस्ट थे। इसके बारे में हम कुछ मैक्स वेबर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हम आपको कुछ ओवरव्यू एक दे दे रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेगा जरूर दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर हैं जो ये यही हमारे वो क्या देते हैं, वो टर्म देते हैं, वो एडवोकेट करते हैं क्या, एडवोकेट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल एक्शन। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि वेबर जो है वो एडवोकेट करते हैं कि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सोशल एक्शन है। सोशल एक्शन मतलब क्या, जो हमारा इंटरनली डिटरमाइंड हो, कैसा हो, इंटरनली डिटरमाइंड हो। इंटरनली डिटरमाइंड इसका मतलब क्या है, जो इनविजिबल हमारे जो रियलिटी है वो उसको उसके ऊपर फोकस करे, उसके ऊपर क्या हो, उसका फोकस होना चाहिए दोस्तों। तो ये कई सारे वो जो वेबर है वही उनका उन्हीं के द्वारा ये टर्म हमारा सोशल एक्शन का वो बताते हैं सोशल एक्शन के पीछे जो मीनिंग है एंड मोटिव है, क्या है हमारे सोशल एक्शन के, जो हमारे सोशल एक्शन है इसके पीछे क्या मीनिंग है और क्या मोटिव है दोस्तों। इनका मीनिंग ये है इसके पीछे कि हम समाज को, कि सोसाइटी को हम क्या प्रदान कर सकते हैं इंटरनली,
और मोटिव क्या क्या है कि इंडिविजुअल को हम इतना कैलिबर बना सके कि वो अपने लेवल पे इंटरनली क्या करे, डिटरमाइन हो जाए कि वो समझ सके आखिर में हम चाहते क्या हैं। तो उनका जो वेबर का फोकस होता है वो रिस्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर दोस्तों हमारे मीनिंग में आ गए, जैसे कि हमने देखा था कि जो वेबर है हमारे वो नॉन पॉजिटिविस्ट है, और नॉन पॉजिटिव में जो रिकॉग्नाइज करे किसको, स्ट्रक्चर को। तो वही है हमारे यहाँ पे जो मीनिंग वर्ड है दोस्तों उसका मतलब क्या है, वो सोसाइटी सोसाइटी के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी वो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और उनका मोटिव क्या है, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करना, जैसे कि हमारे नॉन पॉजिटिविस्ट में इंडिविजुअल के ऊपर फोकस कर रहा है। इसी को इसी जो हमारा ये मीनिंग और मोटिव वाले जो फोकस, जो हमारे टोटल ओवरऑल दोस्तों ये फोकस होते हैं मीनिंग और मोटिव, उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ये जो हमारा प्रोसेस, इसी को प्रोसेस क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्पैथेटिक लियाशन, एम्पैथेटिक। दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिएगा जरूर, सॉरी यहाँ स्पेलिंग थोड़ा, जो हमारा एम्पैथेटिक लियाशन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको अगर कोई चीज पता करना है तो आप अपने आप को उस एरिया में, उस लोकेशन में आप क्या करोगे, पहले अपने आप को ढालोगे, फिर उसके बाद वहां पे समझोगे उसका बातें। तो इसी का मतलब हमारा क्या होता है, एम्पैथिक लियाशन मतलब क्या है, पुटिंग योर सेल्फ, अपने आप को पुट कीजिए कहाँ, इन अ शूज ऑफ अदर, मतलब दूसरे के यहाँ जाइए, वहां समझिए, तभी जाके आप क्या होगे, इंडिविजुअल को समझ सकोगे, उसके साथ साथ सोसाइटी में क्या चल रहा है वो दोनों चीज आपको पता चलेगा। तो एम्पैथेटिक लियासन मतलब क्या था दोस्तों, पुटिंग योर सेल्फ इनटू शूज ऑफ अदर। तो ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करने हैं कि वेबर जो है वो नॉन पॉजिटिविस्ट है हमारे दोस्तों, उसके साथ साथ वो क्या है, स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनके द्वारा दिया गया दोस्तों मीनिंग और मोटिव, जो कि हमारे सोशल एक्शन के पीछे का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है दोस्तों। तो ये हमने देखा दोस्तों, 1 मिनट, हाँ ये रहा हमारा स्लाइड। तो इसके बारे में हमने देखा कि कैसे वेबर जो बात कर रहे हैं दोस्तों मीनिंग और मोटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका जो मीनिंग मोटिव के पीछे जो प्रोसेस है वो क्या है, एम्पैथेटिक क्लियासन, जिसका मतलब क्या है, अगर आपको अपने आप को समझना है तो एक दूसरे के, जिसको आप समझ रहे हैं उसको आपको उसके अंडर पुट करना होगा। तो वेबर जो थे वो पहली बार, जो वेबर थे दोस्तों वो हमारे फर्स्ट, जो पहली बार थे जो जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया इंडिविजुअल को, जो रिकॉग्नाइज किए दोस्तों किसको, वो रिकॉग्नाइज किए इंडिविजुअल को इन अ सोशल सिचुएशन, यानी स्ट्रक्चर को वो एनालिसिस करते हुए दोस्तों, सोशल सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने किसको रिकॉग्नाइज किया, इंडिविजुअल को दोस्तों। तो ये हमारे वेबर के कुछ टर्म है दोस्तों, अभी हम अपने यूनिट 4 में, चैप्टर नंबर 4 में इनके पूरा डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, पूरा एकदम लाइन टू लाइन, अभी आपको कुछ कुछ अप्रोचेस बता दे रहे हैं दोस्तों। अब उसके बाद आता है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के बारे में हमने बात किया था, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म ये भी हमारा क्या है, जो कि स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करता है दोस्तों, ये भी क्या करता है, रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर, ये भी स्ट्रक्चर को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और ये हमारा नॉन पॉजिटिविस्ट है। ये जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है ये हमारा वेबर के द्वारा इन्फ्लुएंस था, ये भी हमारा वेबर के द्वारा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वेबर ही पहले आदमी थे जिन्होंने नॉन पॉजिटिविस्ट में इंडिविजुअल को सोशल सिचुएशन के में रिकॉग्नाइज किया था इंडिविजुअल को। तो ये भी हमारा क्या है, इन्फ्लुएंस है दोस्तों, कहाँ से, वेबर से इन्फ्लुएंस है, और वेबर से इन्फ्लुएंस कौन है दोस्तों, ये हमारा अमेरिका में डेवलप होता है, ये हमारा अमेरिका में सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वाला डेवलप होता है, किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जी एच मीड,
ये जीएच मीन नाम के एक स्कॉलर हैं दोस्तों, जो कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का स्टार्टअप करते हैं। ये क्या ये बताते हैं, ये बताते हैं कि इंट्रैक्शन ही सब्जेक्ट मैटर है। इनका जो फोकस क्या है दोस्तों, इंट्रैक्शन, कि इंट्रैक्शन ही सबसे बड़ा रीजन है सब एक सोशियोलॉजी को समझना है तो इंट्रैक्शन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, हमारा इंट्रैक्शन ही। कि आपसे जब से आप दूसरे से बात नहीं करोगे तो उसका लैंग्वेज, उसका जेस्चर, उसका सिंबल, उसको आप नहीं समझ सकते। इसलिए हमको कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल क्या करना होगा, इंटरेक्ट करना होगा अगर हमको सब्जेक्ट मैटर दोस्तों समझना है। तो अगर बात करें सर, पूछोगे कि सर कैसे, मतलब ये कह सकते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर को भी रिकॉग्नाइज करता है और इंडिविजुअल को भी, क्योंकि आप तो बात किए सर कि ये इन स्ट्रक्चर को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है और इंडिविजुअल यानी क्या माइक्रो अप्रोच भी फॉलो कर रहा है, कैसे? क्योंकि दोस्तों जब आप बात करोगे, इंटरेक्शन करोगे, एक दूसरे को समझोगे, तो वहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, बल्कि आप उसको क्या करोगे, उसके वर्ड्स को समझोगे। कि यहाँ के लोग जब उससे मिलोगे कहोगे हाँ यहाँ इस गांव में गए थे, यहाँ के लोग सभ्य थे, तो वहाँ के वर्ड्स को आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, वहाँ के लैंग्वेज को समझोगे दोस्तों। ये एक व्यक्ति से इंटरेक्शन से आपको पता चला कि वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का सिंबल क्या है, और यही दोस्तों हमारा क्या रिकॉग्नाइज करता है, यही हमारा दोस्तों रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों। इसी को हम क्या बोलेंगे कि इसी से जो हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ दोस्तों, रिकॉग्नाइज हो गया। और इसका जो मीनिंग क्या है पढ़ने का, क्योंकि मीनिंग इसका जो है क्या है कि हर एक एस्पेक्ट पे इंडिविजुअल से हमारा क्या हो, इस जो इंडिविजुअल जो हमारा है उससे हमारा इंट्रैक्शन हो, तभी जाके हमारे बात होंगे कंप्लीट नजर आएंगे। तो मीनिंग इसका क्या है, डिफरेंट मीनिंग इन अ डिफरेंट इंट्रैक्शन सिचुएशन, मतलब इसका क्या है दोस्तों, इसका जो मीनिंग आता है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से मिलोगे, जानोगे, उसके भाषा को समझोगे, वर्ड समझोगे, उसके सिंबल समझोगे, तो आपको डिफरेंट, जब अगर आप दूसरे इलाके में जाओगे तो वहां पे कुछ अलग चीजें नजर आएंगी। तो हम कह सकते हैं जो मीनिंग है डिफरेंट डिफरेंट इंट्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं दोस्तों। तो यही चीज हमारे जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वाले बात करते हैं, और वो बताते हैं कैसे स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल का दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है अगर सोशल रियलिटी हमको जानना है। अगर हमको दोस्तों सोशल रियलिटी जानना है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है और प्लस इंडिविजुअल है, दोनों को हमको क्या होगा, पढ़ना बहुत ही जरूरी है अगर हमको समझना है सोशल रियलिटी को दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे जो नॉन पॉजिटिविस्ट थे उसमें क्या थे, जो हमारे नॉन पॉजिटिविस्ट थे उसमें हमने बात किया था जो रिकॉग्नाइज हमारे स्ट्रक्चर को करते हैं, उसमें हमने देखा एक वेबर को हमने देखा और एक हमारे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो डू नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर को अब रिकॉग्नाइज नहीं करता, अब उसके बारे में बात करते हैं। जो एग्जांपल थे हमारे फिनोमिनोलॉजी और दूसरा दोस्तों एथनोमेथोडोलॉजी। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, इन दोनों के हम अब बारे में बात करते हैं। पहले देखिए इसका मोटो क्या है, इसका मोटो क्या है, स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ना है हमको, स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है, केवल हमको इंडिविजुअल के बारे में बात करता है कि हमारा जो फोकस है दोस्तों वो किस पे ऊपर है, केवल इंडिविजुअल पे है। मतलब इसके मतलब पे क्या है, स्ट्रक्चर एज पर देम क्या है, एक रिजल्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है इंडिविजुअल का, कि केवल ये इंडिविजुअल के माइंड में एग्जिस्ट करता है। तो स्ट्रक्चर क्या है इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव पे, कि इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक हमारा दोस्तों रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन।
मतलब एक इंडिविजुअल का केवल एक सोच है और कुछ नहीं है। वो लोग मानते हैं कि स्ट्रक्चर हमको पढ़ना ही नहीं है, अगर पढ़ना है तो हम केवल इंडिविजुअल के माइंड को पढ़ेंगे। तो हम दोस्तों, ये हमारा क्या था, ये मीनिंग था कि जो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज नहीं करते। दोस्तों अब हम बात करेंगे फिनोमिनोलॉजी का। दोस्तों ये किसके बारे में बात करते हैं, आप बताइए। ये क्या है, एक हमारे जो अप्रोच है कि एक हमारा ये फिलोसफिकल अप्रोच है। दोस्तों पहला पॉइंट आपको लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो हमारा अप्रोच है ये फिलोसफिकल अप्रोच है। और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, जो हमारे सोशियोलॉजी है, एल्फ्रेड स्कूज, एल्फ्रेड स्कूज के द्वारा ये कॉन्सेप्ट हमारे फिनोमिनोलॉजी है वो हमारा क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। और इसको बाद में डेवलप करते हैं कौन दोस्तों, इसको बाद में डेवलप करते हैं हमारे पीटर बर्जर, जो हमारा फिनोमिनोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है। इसका जो मेन फोकस क्या होता है दोस्तों, इसका जो फिनोमिनोलॉजी का जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस करता है फिनामिना को स्टडी करने के लिए। जो इसका स्ट्रेस ये किस पे देता है, स्ट्रेस ऑन इसका जो दोस्तों स्ट्रेस है वो स्ट्रेस ऑन स्टडिंग फिनोमिनन, कई सारे वो फिनोमिनन को पढ़ना, उसके बारे में समझना, उसको जानना, जो इन्हीं का ये फोकस होता है। फिर उसके बाद इस उस फिनोमिना को स्टडी करते हैं जो कैसा हो, रिजल्ट ऑफ इमेज प्रोसेस, कि आपका आपके बारे में वो पढ़े समझे, कई सारे फिनोमिना को पढ़े इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे, जिससे वो क्या करे, आपके इमेज के प्रोसेस को वो क्या करे, आउटपुट निकाल पाए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिपिफिकेशन। ये 2 मार्क्स, ये हमारे मार्क्स में पूछ सकता है कि टिपिफिकेशन किसे कहते हैं। कोई भी फिनामिना को स्टडी करे, ऐसे फिनामिना को स्टडिंग करे जो हमको कहीं ना कहीं रिजल्ट ऑफ इमेज मेकिंग प्रोसेस हमको नजर आए, कि वो क्या बताना चाहता है, किसको इम्पोर्टेंस, जो इंडिविजुअल से हम क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल है टिपिफिकेशन दोस्तों। ये हमारा जो फिनोमिनोलॉजी है वो स्ट्रक्चर को क्या करते हैं दोस्तों, नेगलेक्ट करते हैं, वो बताते हैं, वो डिनाई करते हैं कि कोई भी हमारा सोशल एक्शन का कॉज नहीं है, पॉसिबिलिटी का, केवल केवल और केवल हमारा इंडिविजुअल का एस्पेक्ट है। अगर किसी चीज को आपको पढ़ना है, इनमें इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही दोस्तों कैंसिल कर दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो बचा है एथनो मेथोडोलॉजी। अब हम इसे किसे कहते हैं एथनो मेथोडोलॉजी, जैसे हमारा फिनोमिनोलॉजी था वो इंपॉर्टेंस देता था इंडिविजुअल को, स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, ठीक वैसे ही इथनो मेथोडोलॉजी भी हमारा वैसे ही है, स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज, हमारे स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, केवल और केवल इंडिविजुअल को वो हमारा क्या देगा, केवल इंडिविजुअल के ऊपर ये फोकस करेगा। इसके जो एथनो मेथोडोलॉजी है उसमें एक हमारे मेथोलॉजिस्ट है, वो क्या नाम है, हेरोल्ड गैर फिंकल, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी दोस्तों। इन्हें ही हम कहते हैं क्या, हेरोल्ड गार फिंकल को, कि यही फादर ऑफ हमारे एथनो मेथोडोलॉजी है। और इनका अप्रोच क्या बोलता है, दिस अप्रोच सेज दैट एवरी एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, एवरी एक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाई कॉन्टेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, हर इंडिविजुअल का हमको क्या करना है, अगर एक्शन पता करना है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कॉन्टेक्स्ट से डिटरमाइन करेंगे। थस हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एक्शन, वो केवल
सिचुएशन से डिटरमाइन करेंगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, सिचुएशन, कि जब से आप उस टाइप में सिचुएशन में नहीं गए रहोगे तब से उस टाइप का सिचुएशन का आपको नॉलेज नहीं होगा दोस्तों, इसलिए वो फोकस करते कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि उस टाइप का, अगर जिस टाइप को आपको व्यक्ति को समझना है उस टाइप के कॉन्टेक्स्ट में आपको जाना होगा, उस टाइप के सिचुएशन में आपको जाना होगा। इसीलिए उनका फोकस जो है कि एवरी एक्शन ऑफ अ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, नॉट डिटरमाइंड थ्रू द टेक्स्ट, इट विल डिटरमाइंड थ्रू द एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, फील्ड पर्सपेक्टिव। वो उसके द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, वो नॉलेज गैदर करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे जो हमारे नॉन पॉजिटिविस्ट हैं दोस्तों, वो कुछ हमने स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज किया और कुछ ने स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज नहीं किया। स्ट्रक्चर को जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया वो वेबर थे। वो किस पे बात करते थे दोस्तों, वो मीनिंग और मोटिव और सोशल एक्शन के ऊपर बात करते थे दोस्तों। फिर उसके बाद था सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, जो बात करता था स्ट्रक्चर प्लस जो हमारे इंडिविजुअल के इंट्रैक्शन होते हैं दोस्तों, वो उसके ऊपर हमारा क्या करता है, फोकस करता है। फिर हमारे जो स्ट्रक्चर को नहीं रिकॉग्नाइज करते उसमें क्या है, एथनो मेथोडोलॉजी, वो क्या करता है, कोई भी अगर इंडिविजुअल को पढ़ना है तो हमें कैसा एक्शन करना होगा, कॉन्टेक्स्ट बेस यानी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में जाना होगा उस चीज को समझने के लिए। और उसके बाद हमारा फिनोमिनोलॉजी थे, वो भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, केवल इंडिविजुअल को ही डिटरमाइन करते हैं। वो इंडिविजुअल को वो डिटरमाइन करते हैं एक कॉमन, जो हमारा कॉमन सेंसिकल इमेज, कि केवल एक इमेज बेस पे वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल को डिटरमाइन करते हैं, इंडिविजुअल के एक्शन को वो डिटरमाइन करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे थे नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो अप्रोच या सोशल एक्शन या तो वॉलंटरिस्टिक अप्रोच के बारे में दोस्तों। तो एक बार आपका रिवाइज करा दें इस हमारा, कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने बात किया माइक्रो अप्रोच या सोशल अप्रोच या वॉलंटरिस्टिक अप्रोच, इसमें हमने बात किया था नॉन पॉजिटिविस्ट। अब नॉन पॉजिटिविस्ट में हमारे दो टाइप है। नॉन पॉजिटिविस्ट में एक चीज कॉमन है कि ये हम कोई भी टाइप हो, ये एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ता है, रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल को, खुद एक अकेला व्यक्ति तक वो इंडिविजुअल पे वो फोकस करता है। अब हमारे इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं, एक तो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर रहा था, एक स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। फिर उसके अंदर हमने बात किया था सोशल एक्शन किसे कहते हैं। तो सोशल एक्शन जो होता है हमारा दोस्तों, जो इंटरनली डिफाइंड डिटरमाइंड होता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इसका जो मोटो होता है, फोकस होता है कि अंदर के बात को, जो हमारा रियलिटी में जो चीज़ नहीं दिख रहा है उसके ऊपर हमारा फोकस हो, इंडिविजुअल पे फोकस हो, कि इंडिविजुअल के हम रिफ्लेक्सिव नेचर की तरह देखें और उनको हम क्या करें, सफिशियंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है, अगर कोई चीज़ बनाना है, अगर हम इंडिविजुअल पे बात कर रहे हैं तो सबसे ही अच्छा पर्सपेक्टिव है। इसमें हमने मैक्स वेबर के बारे में बात किया कि कैसे वो मीनिंग और मोटिव को पढ़ते हैं, मीनिंग यानी वो बता रहे हैं कैसे सोसाइटी को समझ सकते हैं, और यहाँ पे सोसाइटी जो है वो स्ट्रक्चर है, मोटिव हमारा इंडिविजुअल है। फिर वो बताते हैं मीनिंग और मोटिव को आप अचीव कर सकते हैं एम्पैथेटिक लियासन के थ्रू। एम्पैथेटिक लियासन क्या है, कि अगर किसी चीज़ को आपको समझना है तो उसके अंडर में आपको जाना ही होगा। फिर वो बताएं, फिर हमने सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के बारे में बात किया। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म क्या है, जो इंट्रैक्शन से सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को स्टडी करे दोस्तों। फिर हमने नॉन पॉजिटिविस्ट को देखा फिनोमिनोलॉजी, जो कि एल्फ्रूड स्कूज एंड पीटर बर्जर द्वारा हमारा बनाया गया था, वो फोकस करता है फिनामिना को पढ़ने के लिए। ये इमेज प्रोसेस है, यानी क्या, कि एक कॉमन सेंस नॉलेज बनाया, एक कॉमन सेंसिकल इमेज जो क्रिएट किया है उसी के ऊपर वो क्या करेगा, फोकस करेगा, इंडिविजुअल को समझेगा दोस्तों।
उसी को हम क्या बोलते हैं, टिपिफिकेशन। फिर हमने एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में बात किया कि इसके जो फादर ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी है वो हमारे कौन है, गारफिंकल, हैरोल्ड गारफिंकल, जो बताते हैं कि एवरी एक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाई कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट यानी सिचुएशन। अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी समझना है तो वो क्या करे, उस सिचुएशन में ढलना सीखे। वही एथनो मेथडोलॉजी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एथनो मेथड आज हमने तब देखा कि कैसे नॉन पॉजिटिविस्ट हमारे ये डिवाइड है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे, अपने यूनिट को स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।